We go out for a beer, it's so clear when you're here. इस वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया है कोचांग की वेस्ट साइड, जहां पे हम सबसे पहले जाएंगे यहां के एक फिशिंग विलेज में, उसके बाद हम देखेंगे यहां के टॉप 4 बीचेस और जाएंगे यहां के टॉप कैफेज में, जहां पे होगा रंग बिरंगा खाना। तो ये हमारा पहला स्टॉप है आज का, खाना खाते खाते और बीच में सोंकरान खेलते खेलते बहुत ज्यादा टाइम लग गया और धूप भी बहुत ज्यादा थी। तो अब हम आ गए हैं बांगबाओ फिशिंग विलेज। yes. फिशिंग विलेज सबसे ज्यादा फेमस है कोचांग में, बहुत ही ज्यादा टूरिस्टी है और पहले बोलते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो आसपास के मछुआरे थे बस वही रहते थे, बट अब ये कुछ ज्यादा ही कमर्शलाइज हो गया है। 350 मीटर इस लंबे इंडोर मार्केट में हमने देखी बहुत सारी शॉप्स, जहाँ पे आप ज्वेलरी, क्लोथ्स, हैंडमेड स्लीपर्स और सुविनियर्स घर लेके जा सकते हैं। हाँ, ये लेते हैं। रेस्टोरेंट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगा अलग अलग तरीके का स्ट्रीट फूड और वो भी एकदम फ्रेश। ये है बड़े बड़े क्रैब्स, केकड़े। फ्रेश है ये, नान और है ना। इडली खानी है, इडली बना रही है आंटी। कोकोनट राइस केक, ये डूरियन किंग ऑफ फ्रूट्स थाईलैंड का, कस्टर्ड जैसा होता है ये। तूने खाया है कभी? हाँ, पर इसकी स्मेल होती है एकदम पॉटी की तरह। यहाँ पे आके कोई ये ना एक्सपेक्ट करे कि यहाँ पे फिशिंग विलेज मिलेगा, फिशिंग विलेज नहीं मिलेगा, बट ये अच्छा शॉपिंग एरिया है। शॉपिंग और स्ट्रीट फूड के अलावा यहाँ पे रहने के लिए होम स्टेज भी अवेलेबल है। ओ, ये देख नन, यहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है फिशिंग विलेज वाले। ये पूरा का पूरा बनाया हुआ है ऊपर प्लेटफॉर्म्स पे। क्योंकि यहाँ पे अभी लो टाइड है ना, नन दिख रहा है वो। तो यहाँ पे जितने भी बोट ट्रिप्स हैं वो 800 से लेके 1000-1500 तक की हैं, और यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी होती है और स्नॉकलिंग भी। तो 800 बात में ये लोग 9 बजे शुरू करके 4:30 बजे, ओ ये तो बड़ी बोट है, तो इसमें कम से कम भी 100 लोग तो आ ही जाते होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 आइलैंड्स कवर करते हैं ये लोग और 800 बात में। बट छोटी बोट्स भी तो होंगी ना? छोटी बोट्स का भी है यहाँ पे, छोटी बोट 9 से 12:30 और 1 से 4:30, तभी इतनी भीड़ है। अभी दूसरी बोट आ रही है, वो 3 आइलैंड कवर करती है, कोवाई, कोखुम और को लाओया। अच्छा, ये वही होता है नॉर्मल, जैसा हमने फीफी में भी आपको दिखाया था, एक आइलैंड पे हॉप करो, दूसरे आइलैंड पे हॉप करो, बीच में फ्रूट्स देते हैं ये लोग और स्नॉकलिंग किट, कोई अच्छे से स्पॉट पे स्नॉकलिंग कराते हैं। ये है वो कॉफी शॉप जो पीछे फोटोज दिख रही थी ना। हाँ, लेट्स गो इनसाइड ना, कुछ कॉफी ले लेते हैं। पहले बाहर से तो देखें कैसा है। ओके, ओह वेरी नाइस है। हाँ, ये तो सुंदर है। वाओ, तो भाई ये था बांगबाओ फिशिंग विलेज, जिसमें विलेज वाली कोई फील नहीं है और इतना हाई एंड प्यारा सा क्यूट सा रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है। तो चलो अच्छा, इसमें जाके बैठते हैं। ओहो, ये है वो बड़ी वाली बोट। मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो और अगर आप लोगों को बोट ट्रिप करनी है तो इतनी बड़ी बोट में मत जाना, क्योंकि कुछ ज्यादा ही भीड़ भड़का हो जाता है, हवा का सर्कुलेशन भी कुछ खास नहीं होता और फिर वो वाला एक्सपीरियंस नहीं आता। तो यहाँ पे इस वाली बोट में शायद 800 का था और जो दूसरा वाला है शायद वो 1500, ये सारे प्राइसेस बात में है, वो 1500 लेगा एक लॉन्ग टेल बोट वाला, आपकी प्राइवेट बोट होगी, आप आराम से घूमो फिरो। इन वाली में बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, हम लोगों ने यूज़ की हुई है सो पहले ही बता रहे हैं। तो चलिए, फिशिंग विलेज देखने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ की फेमस बीचेस और यहाँ के फेमस कैफेज। अब यहाँ का आज का सनसेट से पहले लास्ट स्टॉप है लोनली बीच। उस साइड पे बीच है और यहाँ पे पूरा रॉकी एरिया है, बड़ा अच्छा है, ये तो पूरा रॉक्स ही है। और ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम के लिए तो हर एक चीज अवेलेबल होगी ही होगी, तेरे रॉक बीच में भी ऐसा ही था ना। हाँ। कोचांग के वेस्ट साइड पे सबसे पहले आती है लोनली बीच, जिसे बैकपैकर्स बीच भी कहा जाता है, और यहाँ पे आपको ज्यादातर सोलो ट्रैवलर्स मिलेंगे। और हमें ये बीच कोचांग की सबसे सुंदर बीच लगी, पर यहाँ पे आपको बहुत कम कैफेज और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, पर आपका कोचांग का ट्रिप अधूरा रहेगा अगर आपने ये बीच मिस करी तो।
यहाँ से 2.9 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अब आती है हमारी दूसरी बीच। ये बीच है काबे बीच, काई बे बीच। ये बड़ी फैमिली टाइप की बीच है, कायाकिंग हो रही है यहाँ पे, सनसेट भी हो रहा है, तो हमने सोचा चलो ये इस वाली बीच पे ड्रोन उड़ाते हैं मजे से। पोचांग में दो तीन ही बीचेस हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लोनली बीच जो बड़ा बैकपैकर टाइप का है, ये वाली बीच, काइबे बीच जो फैमिली टाइप की है, और वाइट सैंड बीच वो भी फैमिली टाइप की है, वो हमारे होटल के पास है। तो दो बीचेस तो हमने आपको दिखा दी। इस बीच पे वैसे बहुत सारे कैफेज हैं, बार्स हैं, ये होटल भी हैं दो तीन। तो ये आ गए हैं हम वाइट सैंड बीच मार्केट पे, और ये मार्केट जो है ये सबसे ज्यादा फेमस है कोचांग में, क्योंकि जितनी लंबा ये स्ट्रेच है उतना लंबा स्ट्रेच आपको कोचांग में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी जगह पे आपको मैक्सिमम शॉप्स मिलेंगी शॉपिंग के लिए, और उसके साथ साथ पब्स मिलेंगे पार्टी के लिए, और बड़ा केयरफुल रहना पड़ रहा है क्योंकि आसपास चलती फिरती गाड़ियां भी पानी फेंक रही है इधर उधर, तो देखते हैं बच बच के जाना पड़ेगा। यार यहाँ पे ड्रेसेस काफी अच्छी अच्छी हैं, और देखो देखो गन लेके आ रहा है। वेलकम टू व्हाइट सैंड बीच। तो ब्लॉगिंग करने के बड़े फायदे हैं, लोग दोस्त भी बन जाते हैं। इन्होंने हमें देखा ड्रोन उड़ाते हुए, तो ये भी आ गए कि यार हमारी बच्चों के साथ हमारी मेमोरीज हो जाएंगी, तो आप हमारे लिए भी थोड़ा शूट कर दो। तो हम इतनी प्यारी रिक्वेस्ट को इनकार कैसे करते, हमने भी पूरी शिद्दत से इनकी वीडियोस बनाई, और जब इन लोगों ने अपने वीडियो क्लिप्स देखे तो इनके फेस पे जो स्माइल थी वो देखने लायक थी। पर ये बीच कोचांग का सबसे अच्छा बीच लगा मुझे अभी तक। हाँ, अभी तक का ये सबसे अच्छा बीच है क्योंकि इसमें पानी भी थोड़ा आगे तक है। हाँ। सैंड भी है और ज्यादा कोरल्स और रॉकी बीच नहीं है, पर ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये देख सेटअप हो गया ऑलरेडी रात का। हाँ। पूरे कोचांग में व्हाइट सैंड बीच पे आपको सबसे ज्यादा कैफेज, रेस्टोरेंट्स और बार मिलेंगे। कोचांग में है हमारा लास्ट डिनर, तो हमने सोचा कि कोई स्पेशल सी जगह ढूंढते हैं, और हम आए हैं खाओ क्वान में। और आप यहाँ की प्रेजेंटेशन से ही देख सकते हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे मेन्यू कैसा है और ये हमें क्या क्या देंगे खाने के लिए। ये खाना भी है कि सिर्फ देखना है? आई डोंट नो, इनकी प्रेजेंटेशन देख कितनी अमेजिंग है, ऐसा मन हो रहा है कि इसकी तो पहले मैं दो तीन फोटोज निकालूँ अपने इंस्टाग्राम के लिए। और ये देखो, मैंने ऐसी कभी कोई चीज़ कभी ट्राई नहीं की है, आई होप ये टेस्टी भी हो। मैंने इतना सुंदर खाना कभी नहीं खाया, फूल लगाए हुए, ये रियल फूल है, ये रियल फूल है। और ये बोल रहे हैं कि ये एडिबल है, तुम खा सकते हो इसको। I have to drink this? It's beautiful. ये भी असली फूल है। और प्राइसेस के हिसाब से यार ये बड़ा सही है। ये राइस है और ये डक। इतना यमी खाना है ना इसका, इतना यमी खाना है, जितना ब्यूटीफुल ये देखने में है उतना ही टेस्टी खाना है। और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और शेफ यहाँ पे आए थे और उन्होंने बात करी, तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री डिश दी है उन्होंने। जस्ट लुक एट द प्रेजेंटेशन यार। तो ये है बनाना लीफ सैलेड। मैंने शेफ को बोला कि मुझे बनाना फ्लेवर पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप ये वाला फ्लेवर खा के देखो एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। तो मैंने बोला ओके फाइन, बट मुझे नहीं पता था कि वो कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे, तो मैं खा के बताती हूँ कैसा है। इतना टेस्टी और मज़ेदार खाना खाने के बाद हमारा बिल आया सिर्फ 860 बात। यहाँ पे अब हम आ गए क्लोंग प्राओ बीच पे, और यहाँ पे ये देखो, ये इतनी सही सी कॉफी शॉप बनाई हुई है, ऐसा लग रहा है एकदम स्कॉटिश या आयरलैंड काइंड ऑफ आर्किटेक्चर में। और इस कॉफी शॉप का नाम है वारी कैफे, मेन रोड से सीधा इन्हीं की एंट्रेंस है वारी कैफे की। तो अब इसके अंदर बैठते हैं, थोड़ी देर बीच को एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं एकदम एरियल शॉट्स। वारी कैफे प्राइवेट जोन पर कस्टमर ऑफ वारी कैफे ओनली। ओके है ना इनका, एकदम शांत है, लोग कहीं सो रहे हैं, कहीं बुक्स पढ़ रहे हैं,
मतलब एक्चुअली ये एरिया भी वैसा ही है यार। ये एक्चुअली में मैंने पिछली बीच को बोला था कि वो बड़ी अच्छी बीच है, एक्चुअली में ये सबसे बढ़िया लगी मेरे को। पर ये एक प्रॉपर बीच है। और ये बीच है पोचांग आइलैंड की सबसे बड़ी बीच, और बोलते हैं कि ये बीच ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर लंबी है। पोचांग के ज्यादातर लग्जरी रिजॉर्ट्स आपको इसी बीच पे मिलेंगे, तो ये बीच बनती है आइडियल बीच फॉर कपल्स एंड फॉर फैमिली ट्रैवलर्स। अब हम आ गए एक और अमेजिंग कैफे में, इसका नाम है ले जाओ जोम, और ये वन ऑफ द टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स हैं पोचांग का, और यहाँ पे है जापानीज कुजीन, और ये है एकदम बीच फ्रंट कैफे। तो मोस्टली जो बड़े अच्छे अच्छे वाले कैफेज हैं यहाँ पे वो बीच फ्रंट है, और ये सबसे बेस्ट वाला है, पीछे पहाड़ी और एकदम सामने बीच, और बीच में ये रेस्टोरेंट। चलो लेट्स एक्सप्लोर। चलो एंट्रेंस मस्त है यहाँ पे, तो आके गर्मी का नहीं फीलिंग आ रही है। हाँ, अभी तो नहीं आ रही है। सॉन्ग कौन था? 2। तो यहाँ पे बैठो, अभी आई थिंक वेटिंग चल रही है, और यहाँ पे हमें शूज उतारने हैं। इट्स ओके, ये एक्चुअली की बिल्लियाँ लग रही है। Very beautiful. Can? Yeah. And remove shoes and keep here. Okay. ये देख ऊपर फैन। हाँ भाई, वाओ, मानते हो ना मेरी रिसर्च? ऐसा व्यू तो बड़ा कम देखा है मैंने रेस्टोरेंट्स के अंदर। तभी तो मैं बोल रही थी कि ये बहुत सुंदर जगह है, वो भी इतना एक्सक्लूसिवली डेकोरेटेड रेस्टोरेंट, और फुल है ये, फुल। यार ये क्या सीन है, इतना बड़ा कौन पिएगा ये? 2-3 घंटे बिताने पड़ेंगे। ये दिया मेरे को बीकर, साइज देख इसका, कोकोनट जूस, कोकोनट शेक। अच्छा है, अच्छा है, देख चम्मच। मेरे तो ये टेंशन हो रही है अभी, मैं इसको खत्म कैसे करूंगी? इसको उठा के देख एक बार हाथ में। एक हाथ से उठ भी नहीं रहा है, डंबल है ये 1 किलो का। टेस्ट कर। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बहुत अच्छा है, ऑरेंज जूस है, और इसके साथ साथ हमने ऑर्डर किया चीजी फ्राइज। तृप्ति हो गई कल इतना सुंदर खाना खा के, और आज इतना सुंदर जूस पी के। यार पोचांग में इतने अच्छे कैफेज होंगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब जिस हिसाब का ये एरिया है। पहले 1-2 दिन तो हमें लगा कि कुछ ये कुछ खास नहीं है यहाँ पे देखने के लिए, तो बड़ा बोरिंग था। या फिर ये बड़ा स्लीपी सी जगह है, बट आइलैंड हमेशा सरप्राइज कर देता है। ये जगह थी, कल की जगह थी पोंग प्लाओ बीच, फिर कल वाइट सैंड बीच, नो डाउट यार बड़ी प्यारी जगह है। और वो जो बोटिंग ट्रिप की हमने, वो तो इतनी सारी जगहें कवर की हमने और आप सबको दिखाई। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पोचांग का विजिट का प्लान कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो देखो, और जहाँ जहाँ पे स्पॉट्स हमने बताए वहाँ वहाँ पे आप जाओ, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये एक लौती वीडियो नहीं है जो हमने बनाई है, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, तो हमने एक पूरी की पूरी साउथ थाईलैंड की सीरीज़ बनाई है, जिसके अंदर कम से कम भी 12 या 13 वीडियोस हैं, और उससे पहले हमने फुकेट सीरीज़ बनाई है, और उससे पहले हमने कोकरादान और कोमुक और वो सब आइलैंड्स की सीरीज़ बनाई है। तो हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, ऑलमोस्ट 50 वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, और हर संडे को हम अपने चैनल पे एक वीडियो डालते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वो सारी वीडियोस देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर किसी और को भी थाईलैंड आना है और वो सोच रहे हैं कि कौन सी जगह जाएं, कौन सी नई जगह जाएं, तो अगर आप हमारी पूरी वीडियोस देख लेंगे तो सब पता लग जाएगा, क्या करना है, कितना पैसा खर्चा होगा, कहाँ कहाँ जाना है। हमने आपके लिए सब मेहनत करके रखी है, आपको बस हमारी वीडियोज़ देखनी है, शेयर करनी है और लाइक करनी है। सो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और अभी के लिए पोचांग से बाय बाय।